देखिए, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो रिवाइज गाइडलाइंस इशू की हैं, उन्होंने चार भागों में बांटा है। पहला भाग तो ये है जो टेस्टिंग कंटेनमेंट जोन्स में करी जानी चाहिए, वो तो जैसे पहले था उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी कंटेनमेंट जोन में जितने लोग इन्फेक्टेड जो कॉन्टैक्ट में आए हैं और जिनको कोई कैंसर या कोई बीमारी है, को मॉर्बिड इलनेस है, उनके टेस्ट, उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी है आरटीपीसीआर। दूसरी कैटेगरी में आएंगे वो जो नॉन कंटेनमेंट जोन में है। नॉन कंटेनमेंट जोन में वो है जो जिनको कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं विद इन, जो कंटेनमेंट जोन में है उनके टेस्ट होंगे विद इन 5 to 10 days ऑफ कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन। जो नॉन कंटेनमेंट जोन में है उनके जो सिम्टोमेटिक हैं विद इन 14 days ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स सिम्टोमेटिक हो जाते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट, या जो सिम्टोमेटिक हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट विद अ कन्फर्म्ड केस ऑफ कोविड, ये नॉन कंटेनमेंट जोन के, इनमें आरटीपीसीआर फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी है रैपिड एंटीजन टेस्ट। देन थर्ड कैटेगरी है हॉस्पिटल सेटिंग में। हॉस्पिटल सेटिंग में जो भी इन्फ्लुएंसा लाइक इलनेस लेके आता है या सारी लाइक इलनेस, सारी मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या जो कोई इलेक्टिव सर्जरी के लिए आता है या इमरजेंसी सर्जरी के लिए आता है, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है डिलीवरी के लिए, तो इनकी टेस्टिंग होगी। एंड इसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस आरटीपीसीआर है, सेकेंड है रैपिड एंटीजन टेस्ट, और फोर्थ कैटेगरी उन्होंने एक और डेवलप की है जिसमें ऑन डिमांड टेस्टिंग है। जबकि पर्सन को लगता है कि वो किसी से कॉन्टैक्ट में आया है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर ऑल्सो ही कैन गो फॉर टेस्टिंग। इसमें उन्होंने स्टेट्स को ये दिया कि आप स्टेट्स अपनी बेस्ड ऑन देयर फैसिलिटीज अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये खुली छूट दे दी है, ये फोर्थ कैटेगरी इंक्लूड की है कि आप ऑन डिमांड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर भी पर्सन जाके टेस्टिंग करा सकता है।